कक्षा 11 की छात्राओं, आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतला में आगे पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक आपने अभिज्ञान शाकुंतला में पढ़ा कि जब दोनों सखियां, शकुंतला की दोनों सखियां प्रेमवदा और अनसुईया फूल चुनने का नाटक करती हैं और शकुंतला जो है वह कुटी में बैठी हुई है दुष्यंत की याद में। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि आते हैं जो उसे स्वागत न करने पर से श्राप दे देते हैं। श्राप देने के पश्चात प्रियंवदा, उसके बाद की कहा बात प्रियंवदा करती है, हा दी खा दे। अभी आपने पढ़ा कि श्राप देते हैं और कहते हैं श्रापी व्यक्ति किसी बात को कहता है, कुछ क्षणों के बाद वह भूल जाता है, वह याद नहीं रहता और वह उसे स्मरण कराने पर भी वह याद नहीं होता। उसी प्रकार से शकुंतला को कहते हैं कि तुम जिसकी याद में डूबी हुई हो वह तुम्हें वह याद दिलाने पर भी याद नहीं देगा। ऐसे ऐसी बातों को सुनकर प्रियंवदा सुनती है, हा धिक्कार है, आय व्यय समृतम कहती है, हाय धिक्कार है, हा धिक्कार है, अनर्थ हो गया। अप्रिय व्यय समृतम, अप्रिय माने अनर्थ, अनर्थ हो गया। शून्य हृदय कश्यपि पूजा अपराधा, शून्य हृदय शकुंतला। शून्य हृदय शकुंतला ने किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। क्योंकि शकुंतला को सुनती नहीं है, इस दुष्यंत की याद में डूबी रहती है, तो वही प्रियंवदा जब दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनती है तो वह कहती है कि अरे यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, शून्य हृदय शकुंतला ने किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। सामने देखती है पूर्व अवलोक के माने सामने देखकर, न कलु अस्मिन कस्य न प्रिय, कोई अन्य साधु नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एषु दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह शीघ्र ही क्रुद्ध होने वाले ऋषि दुर्वासा हैं, तथा शक्तवा वेगपुल्लवा दुर्गता प्रतिनिर्वृत्ता, और ये शाप देकर बड़ी तेज गति से बाहर की तरफ चले जा रहे हैं, लौट रहे हैं। अनसुईया कहती है कि वो अन्य उत्वाद दग्धम प्रवृत्ति, यह आपकी सूक्ति भी है, अग्नि के अलावा और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। गच्छपादियों प्रणम्य निर्वयत्ने यावद अर्गो कल्प्याम, जाओ पैरों को पकड़कर इन्हें लौटा लाओ जब तक मैं पूजा सामग्री तैयार करती हूँ। अनसुईया तथा तिरिष्क्रांता प्रियंवदा निकलती है। अनसुईया पदास्ते निष्किलम निरूप अहो आवेग निष्कृतम गत्याम प्रविष्टम ममागत पुष्पाजनमित पुष्पो पुष्प चयम रूपये। जब वह अनसुईया आगे बढ़ती है, प्रियंवदा को कहती है कि तुम जाओ उन्हें रोको, तो प्रियंवदा बाहर निकलती है और अनसुईया जो है वह बेग से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह पथभ्रष्ट हो जाती है, उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जो हाथ में वह पुष्प का बर्तन ली रहती है फूल को चुनकर वह गिर जाता है और उसे पुष्प को उठाने का नाटक करती है, वो उठाती है। प्रविश्य तभी प्रवेश करती है प्रेमवदा, सखी प्रकृति वक्र सूनम प्रतिगृह कि मैं पुनः सानुकोशम कृता। प्रेमवदा कहती है सखी स्वभाव से ही टेढ़े दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, फिर भी कुछ दयालु बना लिए गए, यानी कि मैंने उनको थोड़ा सा मना लिया है, यद्यपि वह बहुत क्रोधी व्यक्ति हैं, उन्होंने जो श्राप दिया है वह तो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें थोड़ा दयालु बना दिया। तो अनसुईया कहती है सस्मिता मुस्कुराते हुए तस्मिन रहेदम कथ है, उनके विषय में इतना भी बहुत है, बताओ आगे क्या हुआ। प्रियंवदा
यदा निर्वर्तितु नेच्छत् तदा विज्ञापितो मया। जब वो लौटने के लिए राजी नहीं हुए तो मैंने उनसे प्रार्थना की। भगवान प्रथम इति प्रेक्ष विज्ञातव प्रभावस्य द्वित जनस्य भगवतः को अपराधो हर्षितव्यमिति। आज्ञे तप के प्रभाव को न जानने वाली हे भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली पुत्री शकुंतला का यह पहला अपराध है। प्रियवदा कहती है कि यदा निर्वैतुम ने इच्छत तथा विज्ञापितो मया। जब मैंने उनसे लौटने का निवेदन किया और वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्ष विज्ञाता तप प्रभाव, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाले पुत्री शकुंतला से यह पहला अपराध हुआ है। यह जानकर आपके द्वारा उनका यह एक अपराध क्षमा किया जाना चाहिए। प्रियंवदा उन्हें मनाती है, कहती है कि शकुंतला से यह पहला अपराध हुआ है, अतः इस अपराध को आप क्षमा करें। अनसुईया ततस्तथा, इसके बाद क्या हुआ? प्रियंवदा ततो न मे वचन मिथ्या भवितुं किं त्वद् अभिज्ञान अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निर्वैतुमित मंत्रयाणा एव अनिति। उसके बाद मेरा वचन बदल नहीं सकता, ततो न मे वचन अन्यथा, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, यानी बेकार नहीं जा सकता। किंतु अभिज्ञान माने होता है पहचान, पहचान के लिए आभूषण के दिखाए जाने पर यह शाप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अभिज्ञान यानी पहचान का कोई आभूषण होगा तो उसके दिखाने पर वह शाप से मुक्त हो जाएगी। यह कहते हुए वे अदृश्य हो गए। अनसुईया सक्यमिदानी आश्वस्तु, अनसुईया कहती है अब धैर्य रखा जा सकता है। अस्तेन राजिषिणा संप्रस्तेन स्वनाम अंकित अंगुलिका स्मरणीयमिति स्वयं विनग्नम। तो अनसुईया कहती है अब धैर्य रखा जा सकता है क्योंकि प्रस्थान करते समय जाते समय राजर्षि दुष्यंत ने के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला को पहनाई है, उससे शकुंतला सांप से मुक्त हो जाएगी। अनसुईया कहती है कि अतिथि राजर्षा संस्तेन स्वनामधेयम अंकित अंगुलिका स्वस्मरणीय स्वयं पिनद्धम तस्मिन् स्वाधीनोपया शकुंतला भव। कह रही है कि अब धैर्य रखा जा सकता है क्योंकि प्रस्थान करते हुए स्वयं उस राजर्षि दुष्यंत के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में पहनाई गई है, उससे शकुंतला का शाप छुड़ाने का उपाय है, वह स्वतंत्र हो जाएगी। प्रियंवदा सखी यही देव कार्यम तावत निर्वर्तवा। सखी आओ, इस समय देव कार्य अर्थात पूजा संबंधी जो कार्य है उसे हम पूरा कर लें। इति परिक्रांता, यह ऐसा कहकर दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य माने देखकर, अनसुईये पश्चितावत, अनसुईया देखो तो वाम हस्तो वदना लिखितेन प्रिय सखी, बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए प्रिय सखी शकुंतला कितना चिंतित बैठी हुई है। भर्तिगतया चिंतया नामपि नेशा विभावेति, पति के में लगी चिंता के कारण, पति की चिंता में या अपने आप को जब भूल गई है तो किम पुरा आगंतुकम, तो अतिथि के विषय में क्या कहना। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बाएं हाथ पर हाथ बाएं हाथ पर अपने मुख को रखकर इस तरह बैठी हुई है, पति की चिंता में इतनी विलीन है तो यह अपना ही इसे ख्याल नहीं है, तो यह कोई अतिथि आता है तो उसके विषय में क्या समझ पाएगी। अनसुईया कहती है प्रियंवदे दुर्वर्णो मुखमेश वृत्तांतस्तु। प्रियंवदा यह वृत्तांत हम दोनों तक ही सीमित रहे, दोनों सखियां इस वृत्तांत को श्राप के वृत्तांत को किसी से भी नहीं बताती हैं। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, निश्चय ही स्वभाव से ही कुमार प्रिय सखी शकुंतला रक्षा की योग्य है। प्रियंवदा कहती है को नामोशु केन नौ मालिका सिंचति,
भला कौन व्यक्ति गरम जल से नौ मालिका को सींचता है। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों निष्क्रांति निकल जाती हैं। विष्कम्भक समाप्त। विष्कम्भक कहते हैं यह नाटक को जोड़ने का काम करता है, उसे विष्कम्भक नाटक में कहा जाता है। तो भला कौन व्यक्ति गरम जल से, कोई भी पौधा नौ मालिका मतलब कोई भी नवीन पौधा है उसमें कोई गर्म जल नहीं डालेगा, तो वही कह रही भला कौन व्यक्ति गर्म जल से नौ मालिका को सींचता है। तथा प्रवेशति सुप्तो उत्थिता शिष्य, तभी सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य वेलोत क्षणामिदो अस्मि तत्र भवता प्रभासा उपामृतेन काश्यपेन। प्रवास से वापस आए हुए आदरणीय कर्ण के द्वारा समय का परिज्ञान करने के लिए आदेश दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि कर्ण ऋषि बाहर गए हुए थे और वह आ गए हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जाकर देखो कितना समय हुआ है। तो वह बाहर जाकर प्रकाशम निर्गत विलोक्यामि दृष्टम राज्य परिक्रम्यालोक्य च अंतर प्रभातम। इस प्रकार तो बाहर प्रकाश निकल कर देखता हूँ रात्रि कितनी बची हुई है, चारों ओर घूम कर देखता है, वाह प्रातः काल हो गया। तो कहता है याद के तो शिखरम परिरोषना आविष्कृतो अर्वा पुरा सा एक तो अर्का तेजस दयम युगपद सनोभ्याम लोको नियंत्रण विवास दशांतरेश। सूर्य एक और सस्यों का स्वामी, एक तरफ चंद्रमा जो है वह अस्त हो रहा है, यस्य केतु शिखरम एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ अरुण माने सूर्य उदित हो रहा है। इस प्रकार संसार दो तेजों के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानव शिक्षा दे रहा है। एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है, तो यह संसार में दो तेजों का एक साथ अस्त होना और उदय होना यह अपने परिवर्तन को की शिक्षा दे रहा है। यह श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा श्लोक इसी के अंत वो कहता है शिष्य, दूसरा श्लोक कहता है अंतर्हित शिष्णी सहयोग मुद्दती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा इंद्र प्रवास जनिता ने अवलाज जन से दुखान न्यूनमति मात्र सुहान। कहता है चंद्रमा के अस्त हो जाने पर क्या होता है, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर जो कुमुदनी होती है वह मुरझा जाती है। चंद्रमा के अस्त हो जाने पर स्मरणीय शोभा वाली कुमुदनी मेरी आँखों को नहीं आनंदित कर रही है। इसका मतलब कि जब चंद्रमा अस्त होता है तो कुमुदनी जो है वह भी मुरझा जाती है। वस्तुतः दृष्टि न निंदयति संस्मरणीय शोभा, कह रहे चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अंतरित शिष्य माने चंद्रमा, कुमुदती माने कुमुदनी, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अंतर्निहित मतलब अस्त हो जाने पर कुमुदनी संस्मरणीय शोभा वह सुशोभित नहीं होती है। वास्तव में इंद्र प्रवास जनिता बलास्य दुखान, स्त्रियों का अपने प्रेमी व्यक्ति के परदेश गमन से उत्पन्न दुख अत्यंत असह हुआ करता है। जिस स्त्री का प्रेमी या उसका पति विदेश रहता है वह स्त्री प्रसन्न नहीं होती, उसी प्रकार से यहाँ पर इसकी उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से चंद्रमा अस्त होता है तो कुमुदिनी जो है वह आँखों को सुशोभित नहीं देती, उसी प्रकार से स्त्री का प्रेमी व्यक्ति या उसका पति परदेश गमन से उत्पन्न दुख अत्यंत असह होता है, उसका दुख वह सह नहीं सकती। यह आपका तीन श्लोक तक आपको बता दिया गया है। इन श्लोकों का अर्थ आप लिख लीजिए और इस अर्थ को किताब से थोड़ा स्मरण कीजिए और पढ़िए। इसमें सूक्ति आती है, सूक्ति के को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखा जाता है, इसे पुनः आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।